कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं मैथ का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ सवाल हैं, सरलीकरण के सवाल हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे देखते हैं। ये कह रहा है कि 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है। और ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको देखिएगा किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 52 का 3/4, तो पहले हम 52 का 3/4 देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 52, का मतलब होता है गुणा 3/4। इसको जब हल करेंगे तो 4 × 4 एक हासिल, 4 × 3 12, 13 × 39। फिर कह रहा है 99 के 2/3, तो 99 का 2/3 देख लेते हैं। का मतलब का या के मतलब होता है गुणा, फिर लिखेंगे 2/3, इसे हल करेंगे 33 आ जाएगा, 33 × 99, 33 × 2 = 66। और कह रहा है कि 52 का 3/4 मतलब 39, 99 के 2/3 मतलब 66 से कितना कम है। तो सीधे क्या करेंगे, 66 − 39, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 7, इधर 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 27। ये 27 ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से यहाँ से दो पार्ट में मान लो डिवाइड कर देते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं कि 52 का 3/4 होता कितना है, 39। और सीधे क्वेश्चन दे देता कि 39 66 से कितना कम है, तो बता देते सर, लेकिन उसने भाषा को चेंज किया ना, तो उस तरीके से हम इसे हल करेंगे। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है, देखिएगा जिस तरीका से पहला क्वेश्चन था वही ये कामा यहाँ पे लगा हुआ सवाल में। 102 का 2/17 64 के 5/8 से कितना कम है। 102 का 2/17 और 64 के 5/8 से कितना कम है। हाँ सही है, अब इसे हम हल करेंगे तो इतना पहले देख लेंगे, 102 का 2/17 ये कितना होगा, 17 × 6 = 102 × 6 = 12। फिर इसे देख लेंगे, 64 और 5/8, 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, ये आ गया 40, ये आ गया 12। इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया है तब तो कह रहा है कि 102 का 2/17 मतलब 12, 64 का 5/8 मतलब 40 से कितना कम है। तो सीधे क्या करेंगे, 40 − 12 कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, इधर बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, 28 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीका के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, 2 क्वेश्चन में बता दिया है सेम ऐसे ही। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है कि वह संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% का, संख्या नहीं पता है, संख्या हमको पता करना है, ये ऑप्शन दिए हुए हमारे। तो सबसे पहले हम संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, दूसरा टाइप भी बताएंगे। पहले संख्या मान लेते हैं एक्स, कि एक्स है वो संख्या, और संख्या के 60% है, संख्या के 60% है का 2/3 का मतलब गुणा, का के बताए थे गुणा होता है, यहाँ गुणा होता है, गुणा के 3/5 भाग 36 हो, मतलब किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब इसका मान किसके बराबर है, 36 के बराबर है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0, 6 × 3 = 18 × 36, 51 × 50, x × 1/50 = 2, तो x बराबर
इसका इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो वह संख्या कितनी निकल कर आई, 100। ले दीजिए, अगर इसे x ना माने तो संख्या 100 मान कर अगर लगाओगे तो इसका उत्तर भी 100 है। देखो कैसे होगा, संख्या मान ली हमने 100, वही बता रहे, अगर संख्या हमने मान ली 100 और 100 का 60% कितना होगा, 100 का 60% 60 ही होगा, और उसका 3/5 भाग मतलब 60 का 3/5 भाग कितना होगा, 12×3=36, कह रहा है 36 हो, तो वो निकल कर पहले ही आ रहा है 36, मतलब 36 बराबर 36, तो 1 बराबर 1, तो संख्या कितनी मानी थी 100, तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 100, तो इसका कितना उत्तर हो जाएगा 100। जो सवाल x मानकर कठिन लगे लगाने में उसे 100 मानकर लगा लो, ये तो इजी था, इसे x से मानकर लगाओ ये 100 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं। इस तरीका के सवाल SSC आजकल ज़्यादा पूछ रहा है, ये सवाल देखिएगा किस तरीका से हल होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कौन होती हैं, जो 99 के बाद जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं 3 अंकों की होती हैं। तो पहली संख्या ऐसी कौन सी है जो 6 से पूर्णतया विभक्त होगी, 99 100 होगी नहीं, 101 यह भी नहीं होगी, 102 101 होगी नहीं, 102 ये विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले पहली संख्या हमारे पास आ गई 102, करा 3 अंकों की कितनी संख्या है, लास्ट संख्या 3 अंकों की कितनी होती है, 999 999 ये विभक्त होगी 6 से, नहीं विभक्त होगी, तो आएंगे इससे पीछे 998 ये विभक्त होगी, ये भी विभक्त नहीं होगी, फिर लिखते हैं यहाँ पे 7 ये भी, और 997 देखते हैं ये भी नहीं होगी 6 से विभक्त। अब यहाँ पर रखते हैं जब 6, तब ये विभक्त हो जाएगी। ये कैसे पता चला, देखो 6 से आप फिर इसे विभक्त कर देख लो, 999 से उल्टा चलोगे क्योंकि इसके बाद फिर 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो इसे देखने के लिए इसका नियम होता है 2×3, जो 2 से और 3 से दोनों से विभक्त हो। 2 का नियम होता है लास्ट का जो डिजिट होता है एक डिजिट को विभाजित होना चाहिए, तो 6 विभाजित होता है। 3 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 6 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। तो ये देखो 9 पूरा होगा, 6 भी हो जाएगा, या 9×2=18 और 6×6=24, 3×8=24, ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, मतलब 102 के बाद इसमें 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 108। दो संख्याओं की आवश्यकता जरूर पड़ती है, फिर डॉट लास्ट जो संख्या होगी हमारी होगी हमारी संख्या 996। अब इसमें पहला ये जो होता है पहला होता है ये हो गया 102, और डी जो होता है ये इनका अंतर होता है सर्वांतर, ये हो जाएगा 6, और ये होता है हमारा एन लास्ट जो 96, और यन होता है पदों की संख्या। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका अभी बताया। अब ये पता करना चाह रहा है कि कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होंगी, मतलब ये पदों की संख्या पूछना चाह रहा है। यन हमको नहीं पता, ये चीज चीजें हमको पता है। इसका सूत्र होता है TL बराबर A, यहाँ लिखते हैं, फार्मूला यहाँ लिख देंगे ऊपर, सारो नीचे करा देंगे, PL बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमारे पास यह दिया हुआ है कितना है, 296,
ए कितना है हमारा 102, ए प्लस एन माइनस एन दिन है, बी हमारे पास है 6। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 996 102 प्लस 6n माइनस 6। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, इसको हम रफ कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। नौ सौ छियानवे बराबर 102 प्लस का है और 6 माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 96, 94 बचेगा, कितना बचेगा 6 वाला 96 बचेगा, 96 प्लस 6n और 6n बराबर कितना हो जाएगा 996 माइनस 96, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर इसे माइनस करेंगे आ जाएगा 6n बराबर 900, n बराबर आ जाएगा 900 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, अब ये हो जाएगा 150, मतलब n बराबर आ गया 150। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, पदों की संख्या 150। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 150। इसका फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास प्रथम पद होता है, n होता है पदों की संख्या और d होता है सर्वांतर और ये n होता है लास्ट पद। तो ये फार्मूला मैंने इसे देख लेना और बाकी बेसिक तो देख ही दिया, तीन अंकों की संख्या कौन सी होती है, कौन सी 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 45 प्रकार संख्याओं का योग कितना है, ये भी फार्मूला से लगेगा, अगर प्रकार संख्याएं पता होनी चाहिए। प्रकार संख्याएं हमारी होती हैं जीरो को छोड़कर, जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक सब प्रकार संख्याएं होती हैं। तो प्रथम प्रकार 45 संख्याओं का मतलब 1 + 2 + 3 + 10 = 45, इनका योग पूछा है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसके लिए हम चाहे फार्मूला लगा लें, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सर्वांतर 1 ही होगा सबसे और लास्ट 0 = 45। तो इसमें एन पता होनी चाहिए, एन पहले एन पता करनी पड़ेगी, या इसका सार फार्मूला लिखते हैं सीधे, ये लास्ट पद 45 इंटू फार्मूला लिखो एन एन प्लस 1 बटे 2। अगर लगातार 45 प्रकार संख्या मतलब जितनी प्रकार संख्याओं का योग पूछता है तो इस फार्मूला से लगा एन, ये लास्ट होता है पद, तो 45 इंटू एन प्लस 1 45 से 46 बटे हो जाएगा 23, 45 इंटू 23 बांधते हैं 15, यूनिट डिजिट से पकड़ लो यही ऑप्शन सही होगा। अभी सिर्फ गुणा कर लो, देखो 45 इंटू 20 प्लस 3 45 दूना 90 900 प्लस 45 तीन पाँच 15 के 5 हासिल 1 चाहते हैं 12 1 13 कितना हो जाएगा 1035, यही होगा। ऐसा भी देख सकते थे 5 15 एक ही ऑप्शन में 5 है, यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल नंबर 6 है और सवाल नंबर 5 की तरह सेम है, केवल ये डिजिट बदल दिए गए हैं, यहाँ पर पहले 45 था अब की 23 है। भाई सवाल है कि प्रथम 23 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, फार्मूला मैंने बताया था उसी तरीके से ये लगेगा।
फार्मूला बताया था, प्रथम 23 मतलब एक दो तीन, ये पूछ रहा है कितना होगा। इसका मैंने अभी बताया था कि यन प्लस वन बाई टू, यन लास्ट पद होता है 23, यन प्लस वन 23 है 24 बटे दो 12 के 36। अब से हम कर लेते हैं 12 के 36 के 6 और 12 दूनी 24 और 3 27 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, देखते हैं सवाल नंबर 7 है। ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसका उत्तर। चलो मैं ही बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में ना बताओ, सवाल डिफरेंस है थोड़ा इसमें अदर सवालों से। ये दिया हुआ है 51 + 52 + 53 लगातार 54 55 56, आगे 99 होगा प्लस 100। तो इसे किस तरीका से हल करेंगे, सबसे पहले वो अभी मैंने इससे पहले आपको सवाल कराया था कि प्रथम 45 या प्रथम 17 या 23 संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे प्राकृत संख्या ही बना लूँ, सबसे पहले लिखते हैं इधर से 1 2 3 ... 4, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखता हूँ 51 52 100। अब ये जो सवाल है ये हल हो जाएगा इस सूत्र से, ठीक है। लेकिन वो पूछ के ओके। सवाल नंबर 7 देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है 51 + 52 + 53 ... 99 100, और इसका योग पूछा है, प्लस लगा है, मतलब पूछा है। तो ये सवाल, इससे पहले मैं ये सवाल कर रहा था कि 23 या 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसे सबसे पहले हम बना लेते हैं, एक से लिखते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ... 50 51 52 100। अब यह सवाल उसी तरीके का बन गया, लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो ये सवाल कितना, वो मैंने बताया था एक फार्मूला n n + 1 / 2, तो n कितना है 100, लास्ट पद होता है 100 × 100 + 1 101 बटे दो कितना है 50। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे, 5 × 5 5 × 0 5 × 5 50 50। अब हमसे वो उत्तर किसका पूछ रहा है, इस भाग का, मतलब ये भाग अगर हम इसका योग निकाल कर इससे माइनस कर दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब पूरा हमारे पास ये है, अगर मैं ये निकाल दूं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, और इसी की वो वैल्यू रहा है पूछ। तो सबसे पहले ये 1 से 50 तक निकाल लेते हैं, फिर यही फार्मूला लगाकर, तो कितना हो जाएगा 50 + 1 = 51 = 25 25 × 1 = 25 2 25 × 25 = 2 = 27 और ये इसमें से कर देते हैं माइनस, 10 में से 5 गए 5 इधर बचे 14 14 में से 7 लिए कितने बचे 7, इधर कितना बचा 9 9 में से 2 गए कितना बचे 7 बचेगा, ये बचेगा 4 में से 3 37 75। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 37 75, ठीक है। अगला सवाल बताते हैं, रोक कम गिनती हो गई। यह सवाल देखिएगा, इस तरीके का सवाल नंबर ये फर्स्ट है, और इस तरीके सवाल अक्सर SSC RPF UP पुलिस में नहीं पूछता है, SSC ज़्यादा पूछता है। देखो इस तरीके के सवाल कैसे हल होंगे हम बताते हैं तुमको। इस
इसके तीन नियम होते हैं। पहला होता है x की पावर n माइनस a की पावर n, n जहां क्या हो, सम हो। अगर n जहां सम हो वहां हमेशा ये संख्या किससे विभाजित होगी, x प्लस a और x माइनस a दोनों से विभाजित हो सकती है। मतलब अगर ऑप्शन में x प्लस a का लगाकर देखते हो उत्तर आ रहा है तो x प्लस a से विभाजित होगी, विभाजित दोनों से हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन दिए होते हैं, जो ऑप्शन जिस तरीका से सही हो वो ऑप्शन सही होगा। अगर x माइनस a से सही है तो x माइनस a देख लेंगे। मतलब जहां n सम होगा वहां यही विधि होगी, x प्लस a और x माइनस a, मतलब कोई भी संख्या दी हो। ये सवाल देखिएगा, इसी प्रकार सवाल जैसे 49 की पावर 15 माइनस 1 दिया हुआ है, तो ये क्या दिया है, x की पावर यहाँ पे लेकिन विषम है तो इसे हम सम बनाएंगे। 7 की पावर लिख लेंगे हम इसे, 7 की पावर 2 15 माइनस 1, 7 की पावर हो जाएगा 30 माइनस 1। अब इसके ऊपर अगर घात कुछ भी लगा तो रहेगा एक, तो ये क्या होगा, वही होगा x की पावर n माइनस a की पावर n, n जहां सम हो। तो किससे विभाजित होगा, x प्लस a तो x माइनस a दोनों से विभाजित होगा। तो x माइनस a, x प्लस a क्या होगा 8 और x माइनस a क्या होगा 6। तो ये ऑप्शन में कितना दिया हुआ है हमारे पास, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x प्लस a से विभाजित किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। छः है नहीं ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन ये भी, अगर ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन पहले हम लोग होंगे नहीं, अगर 8 नहीं होता, अगर यहाँ पे 6 होता तो ऑप्शन नंबर 6 भी सही होता। इस तरीका से होगा। और ये जो सम वाला है ये एक ही है, इसका विषम होगा ही नहीं। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n, जहां पर अगर n सम है तो यहां पर प्लस हो ही नहीं सकता है। पता क्यों, x की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका क्या होता फार्मूला, x प्लस y x माइनस y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कभी फार्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। ये फार्मूला होता नहीं है, बना दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट नहीं पढ़ा होगा ये तरीका से फार्मूला दिए होते हैं। तो इस तरीका का जब होगा प्लस में तो वो घात जो होगी सम होगी ही नहीं, अगर सम है तो उसे किसी तरीका से विषम बनाइए, और फिर नंबर होगी नहीं। उठपटांग सवाल नहीं पूछता है, रूल के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल ये होगा, यहाँ पर सम होगा वहाँ पर हमेशा माइनस का चिन्ह लगा होगा, और माइनस का चिन्ह लगा होगा एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई से विभाजित होगा, जिस तरीका से ये सवाल लगा। अगर यहाँ पर 7 प्लस 1 8, एक्स प्लस ए से विभाजित है, और यहाँ पर अगर 6 है, मतलब अगर 8 दिया होता वो भी सही होता, 6 दिया होता वो भी सही, और यहाँ पे 8 दिया था 8 सही है। अब दिखाते हैं तुमको दूसरा जो विषम वाले, जहाँ यन विषम हो, जहाँ यन विषम हो वहाँ किस तरीका से हल करेंगे। ये तो सम वाला है, इसे सम बना दिया क्योंकि ये ऑप्शन से माइनस अगर दिया भी था, अगर यहाँ भी 15 मान लेते तो इसका जहाँ पर विषम होता है वहाँ पर हमेशा अगर माइनस लगा तो एक्स माइनस ए से विभाजित होना था, तो यहाँ पर 48 कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इसे सम बनाना पड़ा। अभी मैं बताता हूँ डिटेल से। कहते हैं सवाल नंबर दूसरा है, इसे किस तरीका से हल करेंगे। देखो सवाल दिया होता है जब x की पावर n प्लस a की पावर n, और जहाँ n एक विषम संख्या हो तो वो संख्या x प्लस a से पूर्णतया विभक्त होगी। अब यहाँ पे विषम तो दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई घात है नहीं, तो इसे क्या बनाएं, इसे ये बनाओ तो सबसे सही रहेगा, क्योंकि एक पर घात का कोई प्रभाव पड़ता है नहीं,
तो इस पर 67 लगा भी सकते हैं तो विषम विषम हो जाएगा। तो इसे किस तरीके से करेंगे हम ये देख लिया, जहाँ यानी एक विषम संख्या है वहाँ x प्लस ए से गुणता विभक्त होगा। अब इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66 ठीक लिख सकते हैं। हाँ सही, यहाँ लगा दीजिएगा भाई। ओके अब इसे यहाँ कर दीजिएगा 67, फिर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस 1 की पावर n, n जहाँ एक विषम संख्या है, x प्लस ए से पूर्णतया विभक्त होगी, मतलब 68 से पूर्णतया विभक्त होगी ये संख्या। जब ये संख्या 68 से पूर्णतया विभक्त होगी तो शेषफल कितना बचेगा, 66 बचेगा, 66 हो जाएगा इसका तरीका से लगेगा। ओके और इस तरीके के सवालों के लिए आप वीडियो हमारा देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और ये इम्पॉर्टेंट सवाल हम बताते रहते हैं देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल से 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, देख लेना। ओके थैंक यू।